अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमना, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हम व्लॉग शुरू करने वाले हैं, सुबह का आगाज है और आज हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे अपने घर का टेरेस। आइए हम आपको अपने घर का टेरेस दिखाते हैं। ये हमारे घर का टेरेस है, ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारे घर का टेरेस है, यहाँ पे हम खड़े होते हैं अक्सर और जब बारिश होती है तो हम मौसम भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे धूप भी आती है तो हम यहाँ पे अक्सर धूप खड़े होके जो है वो धूप ले लेते हैं। धूप ज़्यादा यहाँ पे देर नहीं रहती, उसके लिए हमें नीचे पार्क जाना पड़ता है। मैं आपको पार्क का भी इंशाल्लाह जो है विज़िट करवाऊँगी। अब हमने खैरू के कपड़े धोऊँ या अपने कपड़े धोऊँ तो मुझे इधर खिलाने पड़ते हैं। इधर ये एक ही तार है, ये देखें, इस पर मैं खिला देती हूँ कपड़े। मैं आपको इधर और भी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने टेरेस में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरे जो है घर का टेरेस है, ये विंडो है, ये यहाँ का टेरेस है। टेरेस बहुत छोटा है लेकिन मेरे जो शौक हैं वो बहुत बड़े हैं। वो ऐसे बड़े हैं कि मैं यहाँ पे जो है बाजरा रखती हूँ, यहाँ पे चिड़िया और डफ और भी बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो आके खाना खाती हैं और पानी होता है। अब ये खाली है क्योंकि सुबह का आगाज़ है, मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं दिया ना बाजरा डाला। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने टेरेस बहुत छोटा है, इधर कपड़े डालते हैं, इधर मैं कपड़े डालती हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने टेरेस में जो है पौधे रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तक मैंने आज इसकी जो है वो गोडी भी करनी है, पानी भी देना है इनको, तो मैं आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। ये देखिए, हम देखें आसमान का व्यू कितना खूबसूरत है। अब मैं जो है यहाँ पानी डालने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पानी। ये मैं पानी लेके आई हूँ इनके लिए, बर्ड्स के लिए, कि वो पानी पियेंगे। और इसका बाजरा भी मैं अभी लेकर आती हूँ। अब ये मैं जो है बर्ड्स का बाजरा ले आई हूँ, बाजरा भी ख़त्म होने वाला है तो मैं बाजरा ले जाती हूँ। वो देखो वाइट पिजन कितना खूबसूरत है, ये वो ही वाइट पिजन है जो मैंने पकड़ा था, वो जो मेरे पास है। एक दफ़ा परसों की बात है कि मैं यहाँ पे बाजरा भी डालती हूँ और पानी भी रखती हूँ, तो मैं सोरी के अपनी बेटी के साथ, तो हुआ ये कि एकदम वाइट जो है वो पिजन आया, तो आके हवा भी बहुत तेज़ थी, सर्दियों की रातें हैं, तो वो एकदम मेरी गैलरी में आके ना गिरा। तो मैंने फिर उसको, मुझे आहट हुई तो मैं उठी, मैंने जाके उसको कबूतर को पकड़ा। तो पहले तो मुझे बहुत डर लगता रहा कि मैं इसको पकड़ूं कैसे, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बुलाया, फिर वो आए, उन्होंने उसको पकड़ा, मैंने उसको फिर अपनी बेटी के कॉट में डाल दिया। वाइट पिजन था, बहुत प्यारा, उसकी जो आईज़ है वो रेड कलर की थी, बहुत प्यारा पिजन था। मैंने फिर उसको सुबह जो है खाना खिलाया, पानी पिलाया, पानी पिला के फिर मैंने उसको उड़ा दिया, क्योंकि मैंने उसको अपने पास नहीं रखा, इसलिए कि बर्ड्स को मुझे लगता है कि कैद करके नहीं रखना चाहिए, इनको आज़ाद रखना चाहिए, आज़ाद पंछी हैं, इनको हवा में उड़ना चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको अपने पास नहीं रखा। और मुझे लगता है ये वही बर्ड है जो मेरे पास परसों उस दिन आया था, तो ये वही बर्ड है जो वो उड़ा है। बहरहाल मैं अब जो है वो चिड़ियों को पानी डाल दूँ, बाजरा डाल दूँ ताकि वो खाना खाने सुबह से तैयारी दी थी। ये सबका जारिया है, इंसानों का इंसान को ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है परिंदे, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। मैं जो हूँ यहाँ पे बाजरा ख़त्म नहीं होने देती और पानी, क्योंकि यहाँ पे बेचारे परिंदे हैं, वो कहाँ पे जाके खाना खाएंगे। तो ये सोसाइटी है, इधर ज़्यादातर सिर्फ मैंने ही जो है ये ऐसी चीज़ें रखी हैं और किसी ने नहीं। बस मेरा शौक है कि भाई बर्ड्स को खाना देना और पानी पिलाना। छोटी छोटी सी इंसान नेकियाँ कर ले, अल्लाह ताला वही कबूल मंजूर फरमाते। बस अब मैंने उनको खाना डाल दिया, अब आप देखेगा यहाँ पर इतनी सारी चिड़िया आएंगी, इतने सारे इधर डफ भी आती है, लाली भी आती है, वो जाएंगी ना, आप देखेगा कि वो कैसे खाना खा रहे हो और खाना खा के चले जाएंगे। अच्छा, अब मैंने जो है परिंदों को दाना डाल दिया, अब वो खाना खाएंगे और अल्लाह से हमारे लिए दुआ करेंगे।
तो खैर दूसरा ये कि मैंने परसों जो पिजन पकड़ा था, जो मेरे पास आया था, मैंने जिसको खाना खिलाया था, आप वीडियो के साइड पे देख सकते हैं वो कितना खूबसूरत है। मैंने उसको दिखाया वीडियो के साइड पे, तो आप उसको देखिएगा कि वो कितना खूबसूरत पिजन है और वो कैसे खाना खा रहा है और फिर उड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जो है मैंने पानी दे दिया परिंदों को। अब मैं करने लगी हूँ अपने जो पौधे रखे हुए हैं उसकी गोडी करने लगी हूँ, और वो गोडी करना मुझे नहीं आता, तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो मुझे सिखाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने उन्हीं की मदद से जो है गमले लगाए थे। आई मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लगाया था। आई मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने ये मनी प्लांट का पौधा लगाया था, ये जो है मैंने उसका लगाया था माँ दीमू का, वो हरी मिर्चों का, और जो वो है मैंने टमाटर का लगाया था, पुदीने का लगाया है, और हरा धनिया का लगाया है, और हरी मिर्चों का लगाया है। क्योंकि घर में आपने देखा जैसे कि बाज़ार में ग्रोसरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, आप टमाटर लेने जाएँ टमाटर के इतने रेट हैं, उसके अलावा प्याज लेने जाएँ तो भी उसके इतने रेट हैं, तो इसलिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम अपने घर में जो है उगा सकते हैं। हमारा टेरेस है तो हम उसमें उगा रहे हैं, इस वजह से कि चलो अगर ये उग जाएगा तो फिर जो है हम अपना बजट संभाल सकते हैं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है, अभी इन लोगों ने कहा था कि सैलाब आया तो चीज़ें महंगी हो गई हैं, सैलाब गए हुए भी इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं होने का नाम ले रही। तो बहरहाल अब हम इस काम की तरफ आते हैं और हम अपनी गोडी करते हैं पौधों की। अब ये देखें हम इसकी गोडी कर रहे हैं मेरे फादर इन लोग। जो ये मिट्टी है ये इतनी हार्ड की हो गई है, पानी मैंने आपने सिखा था 2 दिन बाद देना, तो मैं इस वजह से पानी नहीं इसको दे रही थी। रोजाना देना पानी आप? ठीक है, अब इसमें मैं साथ साथ पानी भी कर दूँ उस पर, या भैया इतना पानी ठीक है? पानी और दो ये उन पौधों की गोडी कर रहे हैं। धूप कितनी खूबसूरत निकली, आप ये देखें धूप कितनी प्यारी निकली है, गोडी भी कर रहे हैं साथ साथ और धूप का मजा भी ले रहे हैं। आप भी नहीं बोल रहे, काफी हद तक वैसे गोडी हो गई है ना इसकी। हाँ जी, ये हो गई है। अब इसमें पानी डालो। पानी इसमें डालना, कि जब तुम पहले जब तुमने किया था तो उसमें ऐसे पानी ना मिलने की टाइम पे वजह से ये जो है ये खुश्क हो गए थे। हाँ जी, क्योंकि इसे पानी देना तो या पानी नहीं मिला था, इस तरह से भी ये जरा ज्यादा ड्राई हो गए, क्योंकि मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी तो तब भी से पानी किसी ने नहीं दिया, इस वजह से मुझे भी याद नहीं रहा खराब हो गए। वैसे ये कब तक वैसे उग जाएंगे अब ये पौधे? अब इसकी गोडी तो है वो रोजाना करनी है, सब्बू ने कहा कि रोजाना पानी देना है और इसकी गोडी भी करनी है, तो ये इंशाल्लाह कहते हैं कि एक दो हफ्ते, हाँ 2 हफ्ते 14 से 15 दिन में जो है वो पौधे उग जाते हैं। तो दुआ करें कि मेरे पौधे उग जाए, मुझे बहुत शौक है जो ग्रीनरी का, बहुत ज़्यादा मुझे शौक है पौधे उगाना ये सब चीज़ें करना, तो आप दुआ करें कि मेरे पौधे उग जाए। मैं इसको पानी दे रही हूँ, बस मट्टी जो है वो गीली हो गई है सारी। इससे पहले ना मैंने जब गमले लगाए थे ना तो मैंने इसके नीचे ना पहले पत्थर रखा था छोटा सा सुराख होता, तो उसके नीचे मैंने पत्थर रखा था ताकि जो पानी है ना वो ना जाए। और मैंने एक बताया था गमले लगाने का तरीका ये होता है कि जब आप पौधा लगाते हैं ना तो उसकी मट्टी को आपने ज़ोर से दबाना नहीं है, आप किसी भी चीज़ पे अगर मिट्टी को ऊपर से जैसे फैला के डालते ना इस तरह से डालना है, और फिर बीच डाल दें, फिर उसके ऊपर मिट्टी को फैला के डाल दें, हल्का सा पानी आप शावर के ज़रिए जो है स्प्रे गन के ज़रिए आप स्प्रे करें, तो जो है पानी इतनी मिट्टी गीली होनी चाहिए बस। तो मैंने पहले इस तरह से ये सारा कर चुकी हूँ ये काम, अब मैं इसकी गोडी कर रही हूँ। अब जो है मैंने पौधों को पानी डाल दिया, अब इंशाल्लाह ये है कि पौधे जो है 14 से 15 दिन के अंदर पौधे उग जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा आज का ब्लॉग था, इंशाल्लाह हम आपके पास और नए से नए ब्लॉग लेकर आते रहेंगे, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आपके देखने, हमारे तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।